कुमार चीनी कुसुम सोहाए निज कर भूषण राम मन सीता ही पहराए प्रभु सुंदर प्रभु सुंदर बैठे स्फटिक शिला पर सीता ही पहराए प्रभु सुंदर एक बार सब वहां भी अवतरित करना हटी इंद्र के पुत्र जयंत में माता सीता जी के चरणों में जो राजा कभी जीव हिंसा नहीं करते थे इसलिए गया और वहां भी राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए आकर्षित करने के लिए गए और सैकड़ों हिंसक जानवरों का वध कर दिया हिंसक पशु पक्षी मार पशुओं का वध कर दिया जो कभी जीव हिंसा करते ही नहीं थे बड़े शास्त्र जीवन में थे राजा परीक्षित को उस कारण श्राप बन गया श्राप सभी की सेवाएं पृथक पृथक है जो भैया यशोदा अपने लाला को अपने ही कर कमलों द्वारा दही मंथती है ताजा नवनी का ताजा मक्खन ताजा दूध कन्हैया को कपिला गाय सुरली गाय गंगी गाय कजरी गाय श्यामा गाय धूमरी गाय ये सब गौ में बड़ी प्रिय है भैया अलग अलग कन्हैया श्यामा गैया को दूध मांगे गो तो मैं श्यामा गैया का दूध इस प्रकार भगवान के लिए मैया यशोदा अनेक प्रकार के यत्न करती हैं अनेक प्रकार के पात्रों में कन्हैया को शुद्ध विशुद्ध दुग्ध स्थापित करती हैं। एक दिन की ऐसी घटना घटी एक दिन की ऐसी घटना घटी एकदा सा
ध्यान कर रही है, पूर्ववत लीलाओं का चिंतन कर रही है। कन्हैया उस समय पड़े हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप का चिंतन करके लीला का स्मरण करती हैं और नई मंथन लीला कर रही है। नई मंथन करते करते उनके हृदय में वात्सल भाव प्रकट हो जाता है। वात्सल भाव प्रकट होते ही कन्हैया की लीलाओं में इतनी मग्न हो जाती है, इतनी प्रसन्न होती हैं और गीतम गीत गाती है। कन्हैया की लीलाओं का चिंतन करके स्मरण करके अत्यंत प्रसन्न होकर के मैया गीत गाने लगती है। क्षौम बाषा प्रदुकटी तथे बिभ्रती सूत्र। अब जब यानी यानी हम गीतानी तद बाल्य चलतानी चिबंधने निर्बंधने गाले स्मरती ताने गाय नई मंथन लीला करती हैं और गीत गाती रहती हैं। इतना प्रेम मैया यशोदा के हृदय में प्रकट हो रहा है कि मैया यशोदा के पयोधरों से दुग्ध बहने लगता है। वात्सल्य भाव इतना अत्यंत प्रकट हो जाता है मैया का। तो श्री आचार्य चरण वर्णन करते हैं, शुद्ध स्नेह कर तुझों से दुग्ध स्रवत बहाता मैया यशोदा। यानी यानी गीतानी तद बाल्य चरितानि च बाल कृष्ण प्रभु के चरित्रों का चिंतन करके देखिए चित्र विशुद्ध कैसे होता है। जिसका आप चिंतन करेंगे तो वो चित्त में आएगा और जब चित्त में आएगा तो चरित्र भी वैसा ही बन जाएगा। यानी जिसका चिंतन अच्छा है, किसी अच्छे महापुरुष का चिंतन कर रहे हैं, किसी अच्छे परम वैष्णव भक्त साधक का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, आपका भाव और भाव वैसे ही बन जाएगा। आपका मतलब आपकी क्रियाओं में वैसे ही भाव बन जाएगा, क्रिया होने लगेगी और हृदय में भाव भी उसी तरह के प्रकट होते हैं। आपने किसी तांत्रिक को देखा होगा जब वो तंत्र विद्याओं का प्रयोग करते हैं और चिंतन तांत्रिकों का करते हैं, दुनिया भर के कौन से भूत प्रेत बाधाओं का चिंतन करते हैं तो उनका चेहरा भी विकराल हो जाता है, भूत प्रेत जैसा हो जाता है, क्योंकि उनका काम ही वही होता है। इसीलिए चिंतन यदि अच्छा है तो आपका चित्त विशुद्ध होगा और फिर उस चित्त में ना तो कभी दुख आएगा और ना ही फिर आपके जीवन में चिंता सतावेगी और ना ही किसी प्रकार का कष्ट होगा, क्योंकि आप चिंतन किसका कर रहे हैं। यदि संसार का चिंतन किया, भूत प्रेतों का चिंतन किया या भूत प्रेतों वालों का चिंतन किया तो भूत प्रेत जैसे बन जाओगे। और भूत प्रेत क्या करते हैं, भटकती हुई आत्माएं, हाँ वो स्वयं भटकते हैं और दूसरों को भी भटकते हैं। लेकिन यदि चित्त चोर का कृष्ण का चिंतन किया तो चित्त निश्चित आपका सरल होगा, निर्मल होगा, विमल होगा, सहज होगा और आनंदित होगा। इसलिए चित्त की विशुद्धता भगवान के चरित्र श्रवण करने से है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से है, भगवान के भक्तों की सेवा करने से है। मैया यशोदा प्रातः काल स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में वो सबसे पहला कार्य करती है, दादा को ताजा मक्खन तैयार कर दो। दास दासियां सेवक सेविकाएं खूब सेवा करती थी, लेकिन मैया यशोदा एक दिन की ऐसी घटना घटी, नित्य ही अपने लाला को ताजा मक्खन तैयार करती थी और कन्हैया को पकाती थी। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद केहि कर्मांतर नियुक्तासु निर्मान्त स्वयं दो
के लिए दही मंथन लीला कर रही है। तो मैया के श्री अंग में स्वरूप में क्या अड़चन हो रही है उसका वर्णन श्री आचार्य चरण करते हैं, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। देखो परीक्षित, सोमम पाठा प्रतिपटितते विप्रति सूत्रनद्धा पुत्र स्नेह स्वंत्र कोच युगम जात कंपम च शुभ्रु रज्वाकर सत्रमवन चलत कंकड़ कुटले चा स्वेन्नम भक्तम कवर विगलम मालती निर्वमन। मैया जब दही मंथन लीला कर रही हैं तो मैया की साड़ी का छोड़, साड़ी का पल्ला है जो बार बार नीचे गिर जाता है जमीन पर, तो मैया फिर उसको संभालती है और फिर मंथन करती फिर संभालती है। तो मैया ने क्या किया, साड़ी का जो पल्ला है वो अपने पीछे से घुमा करके कमर में कस लिया। अब बिल्कुल स्वतंत्र हो गई, अब वो वस्त्र विघ्न नहीं करेगा दही मंथन लीला। और जैसे ही मंथन करने लगी तो मंथन करते करते मैया को श्री कृष्ण की लीलाओं का मंगलमय चिंतन हो, आनंदमय चिंतन हो रहा है। और कंकड़ कुंडले चा मैया के कानों के कुंडल जो है हिल रहे हैं और कंकण जो माँ यशोदा दही मंथन लीला कर रही है तो वो भी पूरे बज रहे हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। ऐसी बात हो, मंथन लीला चल ही रही थी तो मैया यशोदा का दही मंथन लीला का अत्यंत प्रेम और ये प्रेममयी भक्तिमयी लीला का चिंतन करके लाला कन्हैया खड़े हो गए। देखिए भगवान भी अपने भक्त का चिंतन करते हैं। जब भक्त भगवान के लिए समर्पित हो जाता है तो परमात्मा भी कहते हैं कि हे प्यारे भक्त अब हम भी तुम्हारे लिए पूरे समर्पित हो चुके हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान जा गए और भाग करके आए, मैया यशोदा का पल्ला पकड़ लिया, साड़ी का छोड़ पकड़ लिया। मैया मैं तो दूध पीऊं, मैया मैं तो दूध पीऊं। मैया ने दही मंथन लीला वर्ण करी और ताजा मक्खन कन्हैया के मुंह में चटाए दियो। बोले मैया मैं तो मक्खन ना था वो, मैं दूध पीऊं। मैया ने गोद में बिठा लिया और लाला कन्हैया को दूध पान करा दिया। पर पीवन हित कृष्ण जी गए यशोदा पास, मथन न देवे दुग्ध को पकड़ लिया मंथन, तब यशमति सुख गो प्रेम समेत
बोलिए श्री रमन बिहारी इस प्रकार से मैया यशोदा राधा कन्हैया को दुग्धपान करा रही है और बाल कृष्ण प्रभु के मुखमंडल का दर्शन कर रही है और दर्शन करते हुए बार बार अपने भाग को सराहती है। ऐसा जैसो सुंदर हमारो लाला है, ऐसो सबको हो गए और ऐसो सुंदर लाला तो काउ को मैंने जैसो दे दो। भैया बार बार लाला कन्हैया के मुखमंडल का दर्शन करती हुई अपने भाग को सराहती है कि जब से मेरो लाला भयो तब से हमें ऐसे ऐसे सिद्ध संतन के दर्शन है रहे हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध योगी मुनि हमारे धर्म भवन में आए रहे हैं। मेरो लाला बड़ो भाग्यशाली है, मेरो लाला बड़ो भाग्यशाली है। क्षण क्षण देखत तनुज का बदन श्याम जल जात और सुत गुण गावत मथन पर हर्ष हृदय समान। इस प्रकार से मैया यशोदा अब लाला कन्हैया